Hi, suppose we receive a call from a telecaller saying, "Hello sir, 3 days back you visited that particular mall and you visited one shop, that particular shop. How was your experience, sir? What will be your reaction?" अरे बाबा कौन हो, कहाँ से फोन कर रहे हो? मैंने तो काफी सारे मॉल विजिट किए हैं, मैं काफी शॉप में गया था. कौन सी एग्जैक्टली शॉप के लिए पूछ रहे? इवन इफ ही टेल्स योर नेम, अनटिल अनलेस इट्स समथिंग ब्रांडेड और यू हैव स्पेंट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, आपको याद भी नहीं होगा, आपको याद भी नहीं होगा. बट थिंक फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर टेलीकॉलर, उसको लग रहा है आपको सब याद है. एंड दैट इज हैपनिंग इन द मोस्ट ऑफ द टेलीकॉलिंग इंडस्ट्री, आई वुड से. So today I am going to share 3 myths about telecaller, what they do wrong. Hello guys, my name is Lokesh. Currently I am working in a startup. So I got a chance to run a telecalling team. There I realized these 3 myths. I thought I should share. So first one is, the call receiver is eagerly waiting for our feedback or sales call. That's what telecaller thinks. Wrong. He's not. So while dialing, please think, the user could be doing anything. He could be eating, he could be playing, writing, reading, watching videos, spending time with their families. Anything, he could be doing anything out of his limitless possibilities. So please request time from the user. Sir, can I have your 2 minutes please? I wanted to talk about this, this and this. If he permits, then continue our conversation. I bet that will be a far better conversation as compared to, "Hello sir, मेरी इनसे बात हो रही है, सर मैं ये बेच रहा हूँ, आप फटाफट ले लीजिए सर." इट्स गोइंग टू बी वेस्ट गाइस. सेकेंड, कॉल रिसीवर नोज कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर कॉल. नहीं पता है भाई, आपको उसको कॉन्टेक्स्ट समझाना पड़ेगा, आपको उसको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा. सर आप मॉल पे सेकेंड फ्लोर पे एक कपड़े के शॉप पे गए थे. यू कैन टेक द नेम ऑफ कंपनी, समटाइम्स पीपल फॉरगेट दैट. यू हैव टू थिंक योर स्क्रिप्ट कि हाउ, व्हाट आर द थिंग्स फ्रॉम विच आई कैन कनेक्ट टू द यूजर, कि ये वहां गए होंगे, कुछ लिया होगा. द मोर इंफॉर्मेशन यू हैव द बेटर यू कैन कनेक्ट. यू कांट एक्सपेक्ट हिम to know the context of your, full context of your call. And sometimes people, I have seen telecallers using jargon words. Sir, आपने activation किया होगा क्या? Activation, किस चीज़ का activation? मुझे word ही नहीं पता आप कौन से context में बात कर रहे हो. Activation के different context में different meaning हो सकते हैं. So please be sure, and particularly with your words, what you are using. क्योंकि company के अंदर वो word बहुत common होंगे. Outside the world, for the user, that words are unknown. So, आपके business के लिए जो common हो सकते हैं, वो user के लिए clearly unknown हो सकता है. That is second myth. Now, the third. Telecallers always think, user remembers everything. जो भी वो हमारे product पे कर रहा है, उसको सब याद है. बस फोन करके पूछो, फटाफट फीडबैक दे देगा. भाई लोग ऐसा नहीं है. चल टेल यू वन सिंपल स्टोरी. आई थिंक अराउंड 1.5 वीक बैक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन ई कॉमर्स ऐप कंपनी. दे सेड, सर यू विजिटेड दिस मच प्रोडक्ट बट यू नेवर बॉट एनीथिंग, हैव यू फेस्ड एनी इश्यू सर? मैंने तो बहुत सारे ऐप्स यूज़ किए हुए हैं, उसमें से मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे हुए हैं, काफ़ी मैं वैसे एक्सप्लोर करते रहता हूँ. मुझे तो याद भी नहीं आप एग्जैक्टली कौन से सेशन के बारे में बात कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो. ही वॉज लाइक, ओके सर,
आई वॉज कॉलिंग ओनली फॉर फीडबैक. भाई ऐसे मत अज्यूम करो कि मुझे सब याद है एग्जैक्टली कौन से मोमेंट पे मैंने क्या किया था. अरे कुछ भी सोचो, 5 दिन पहले आपने डिनर में कौन सी सब्जी खाई थी, खुद नहीं याद है? आप सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? सो दीज आर द 3 थिंग्स विच आई रियलाइज्ड कि अगर ये इंफॉर्मेशन पहले से ही क्लियर हो टेलीकॉलर्स के माइंड में कि यार जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, नंबर 1 उसे परमिशन लूंगा, उसे बात करूंगा, उसके बाद में आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगा, उसको फुल कॉन्टेक्स्ट दूंगा एंड उसे मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि एकदम माइन्यूट डिटेल उसको याद होगा. आप ब्रॉडर टर्म में फीडबैक ले सकते हो, बट आप एकदम स्पेसिफिक टर्म्स में जाके फीडबैक लोगे तो यूजर को नहीं याद होगा. दीज आर माई टॉप 3 लर्निंग गाइज, सो आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू. थैंक यू सो मच. Hope we will meet again with another video with peace of mind. Thank you. Bye.